हमारे देश भारत में व्रत और त्योहारों की बहुत मान्यता है। यहाँ लगभग पूरे साल ही कोई ना कोई त्योहार चलता ही रहता है। इस तरह अक्टूबर में सुहागन महिलाओं द्वारा किए जाने वाला करवा चौथ का व्रत पड़ता है। इस व्रत में महिलाएं दिन भर निर्जल और निराहार रहकर अपने पति की लंबी आयु की ईश्वर से कामना करती है। इस दिन करवा चौथ की कथा पढ़ने का विधान है। कहते हैं कि इस दिन व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि इसके श्रवण का पुण्य भी अवश्य मिलता है। तो चलिए जानते हैं करवा चौथ की पौराणिक कथा। करवा चौथ की पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी जिसका नाम करवा था। सातों भाइयों की इकलौती बहन करवा से वह बहुत प्यार करते थे। बहन के खाने के बाद ही खुद खाना खाते थे। एक बार ससुराल से बहन अपने मायके आई हुई थी। शाम को जब भाई खाने के लिए बैठे तो बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वह खाना चंद्रमा देख कर ही खाएगी। लेकिन चंद्रमा के निकलने में समय था, इसलिए वह भूख और प्यास से व्याकुल हो रही थी। सातों भाइयों से बहन की हालत देखी नहीं गई। ऐसे में सबसे छोटे भाई ने दूर पीपल के पेड़ के पीछे दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे चतुर्थी का चांद दिख रहा है। इसके बाद भाई ने आकर अपनी बहन को बताया कि चांद निकल आया है, तुम उसके दर्शन करके भोजन कर सकती हो। बहन खुशी से चांद को देखती है और खाना खाने बैठ जाती है, लेकिन पहला टुकड़ा मुंह में डालते ही उसे छींक आती है। दूसरे टुकड़े पर बाल निकलता है और तीसरे टुकड़े पर उसके पति की मृत्यु का समाचार आ जाता है, जिसे सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। ऐसा होने पर उसकी भाभी उसे सब सच बता देती है कि करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने पर देवता उससे नाराज हो गए हैं। जब करवा को इस सच्चाई का पता लगता है तो वह निर्णय लेती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने अस्तित्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर ही रहेगी। यह प्रण देने के बाद वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है। पति के ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। अगले साल कार्तिक कृष्ण चतुर्थी फिर से आने पर वह पूरे विधि विधान के साथ करवा चौथ माता का व्रत रखती है, जिसके फलस्वरूप उसका पति जीवित हो उठता है। तभी से हर सुहागन महिला करवा चौथ का व्रत पूरे नियम के साथ रखती है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं करवा चौथ व्रत की विधि के बारे में। करवा चौथ के दिन प्रातः उठकर अपने घर की परंपरा अनुसार सर्गी ग्रहण करें। स्नान आदि करने के पश्चात व्रत का संकल्प करें। यह व्रत पूरे दिन निर्जला यानी बिना जल के किया जाता है। शाम के समय तुलसी के पास दीपक प्रज्वलित करके करवा चौथ की कथा पढ़ें। फिर चंद्रमा निकलने से पहले पूजा की थाली तैयार कर लें और अर्घ देने के लिए जल भर लें। एक थाली में श्रृंगार का सामान भी रख लें। चंद्रमा निकलने के बाद चंद्र दर्शन और पूजा करें। साथ में ही श्रृंगार के सभी सामान की भी पूजा करें। फिर चंद्रमा को आग्रह दे और छलनी में दीपक जलाकर चंद्र दर्शन करें। छलनी में अपने पति का मुख देखें। इसके बाद पति के हाथों से जल पीकर व्रत का पारण करें। अपने घर के सभी बूढ़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। पूजन की गई श्रृंगार की सामग्री और करवा को अपने सास या फिर किसी सुहागन स्त्री को दे दें। करवा चौथ व्रत के दौरान इन बातों का रखें ध्यान। पहला, भूल कर भी उजले भूरे या काले रंग के वस्त्र ना पहने। दूसरा, इस दिन दूध दही चावल या उजला वस्त्र दान ना करें। तीसरा, सुहागन की वस्तु जैसे चूड़ी बिंदी और सिंदूर को भूल कर भी कूड़ेदान में ना फेंकें। चौथा, करवा चौथ के दिन सिलाई कढ़ाई और कटाई ना करें।
पांचवा, गलती से भी मांस मछली अंडा और मुर्गा आदि तमसिक भोजन ना करें। तो ये थी हमारी करवा चौथ की व्रत कथा और उसकी पूजन विधि।